हाफ बहुत मुश्किल से बना है, बीच में तो उन्होंने गोल भी दिया था कि बन नहीं पाएगा, कैलकाटा से बनवाना पड़ेगा, तो काफ़ी टेंशन थी। हमने लास्ट दो दिन के अंदर ही पूरा एक्ट प्रिपेयर किया है, बहुत मेहनत लगी है सबकी। हैप्पी कि करण कालिन को डांस ऑफ द डे मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। एंड मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है जो जो आइडिया हमने मेरे असिस्टेंट्स को दिया, मैंने जो मेरे आर्ट डायरेक्टर को दिया, जो सेटिंग दादा साजन भाजन ललन सबको दिया, उन्होंने रात दिन मेहनत करके वो चीज़ की। अगर जो वो नहीं करते तो प्रॉप्स नहीं बनता, तो नहीं कर पाते। अच्छा सबसे ज्यादा हेल्प की है वो भजन और साजन ने, मेरे ख्याल से वो विनर है। वो प्लीज स्टेज पे आए। हम लोग जो सात साल से काम कर रहा हूँ हम लोग टीम लाइन में, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं बना, ये बात सही है। भजन ने इतना साथ दिया, दिन रात किया उसने, और छोटी से छोटी चीज भी उसने बहुत बारीकाई से काम की। और फिर साजन ने भी काफ़ी मेहनत करके मेरे ख्याल से मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉप्स रहा होगा। जब वीडियो में फर्स्ट देखा था, मैं सोचा था कैसे बनो, तो सर बोल रहा था कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, तो कोशिश तो कर लेता हूँ एक बार, होगा नहीं होगा देख रहा हूँ एक बार। हाँ तो हम लोग क्या ट्राई किया, हो गया। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और यही दो है जनाब जिनके वजह से प्रॉपर्टीज बनती है, ऐसे भारी भरकम प्रॉपर्टीज बनती है, जिसपे हमारे ग्रैंड मास्टर मिथुन दा मुझ पर सारे एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। सो यू नो दादा के साथ साथ इनके लिए भी ग्रैंड सैल्यूट होना चाहिए, क्योंकि बैंड बजाने में भी ये भी मेरे कम नहीं है, ऐसे भारी भरकम प्रॉपर्टीज बनाते रहते हैं। थैंक यू।